तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आयनाइजिंग रेडिएशन सर्टिफिकेट हमें क्यों चाहिए होता है। तो आयनाइजिंग रेडिएशन सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटी डैट इन्वॉल्व्स हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स सच एज रेडियोग्राफी रेडियो एक्टिविटी बेस्ड ऑन द प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, हमें अगर किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज़ करना है, इवन ट्रांसपोर्ट करना है, हैंडल करना है, उसको यूज़ करने के लिए लेके जाना है, तमाम काम के लिए हमें क्रिटिकल वर्क परमिट के साथ आयनाइजिंग रेडिएशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। किस परमिट के अकॉर्डिंग है, क्या टाइप ऑफ हमारे पास मटेरियल है, उसको हमने यूज़ कैसे करना है, उसकी हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, उसका एक्सपोजर कितना हो सकता है, उसको हमने किस टाइम में यूज़ करना है, हमारे पास उसको यूज़ करने के लिए तमाम जो लोग हैं कंपिटेंट हैं, तो ये तमाम चीज़ें इस सर्टिफिकेट के अंदर कवर होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आयनाइजिंग रेडिएशन सर्टिफिकेट के बारे में आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मजीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।